देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इंदौर में चेतना युवा अटल मंडल के युवाओं ने दो दिनों तक सेवा कार्य किए और लोगों को जागरूक किया। चेतना युवा अटल मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 25 दिसंबर 2017 को इस मंडल का गठन हुआ। इसमें करीब 15 युवाओं ने सेवा कार्यों का सिलसिला शुरू किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती के अवसर पर बड़ा आयोजन नहीं करके युवाओं ने MY अस्पतालों और अन्य स्थानों पर जरूरतमंद लोगों के बीच फल, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया, कोरोना को लेकर जनता को जागरूक किया। मंडल के विजय बिरला के मुताबिक अब नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। बताएं किस तरह से आज सेवा कार्य कर रहे हैं आप? जी, मैं नरेंद्र शर्मा, चेतना अटल युवा मंडल का अध्यक्ष। जी, हम 25 दिसंबर और 26 दिसंबर चेतना अटल युवा मंडल के प्रतिनिधित्व हमारे सदस्यों के साथ हम रोगियों के बीच में फल वितरण, मास्क का वितरण, आज भी हमने कई सेवा के कार्य कर रहे हैं। क्या है ये मतलब आपकी संस्था क्या है और कब बनी, किस तरह से कार्य करते हैं आप लोगों के बीच पहुँच? जी, हमारी चेतना अटल युवा मंडल 2017 में गठित हुई थी और 25 दिसंबर को ही अटल जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने इस मंडल का गठन किया था। यानी कि अटल जी का जन्मदिन मनाते हैं? जी जी जी, वही। किस तरह से कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके? सर, हमारे कम से कम 10 से 15 व्यक्ति जुड़े हैं सर, सदस्य के रूप में। अच्छा। और पदाधिकारी सब। कैसे आप पैसा कहाँ से लाते हैं सब सेवा कार्यों के लिए? सर, हम आपस में जब एकत्र करते हैं और उसी को खर्चा करते हैं सर। मतलब आप युवाओं की पहल है? जी जी, युवाओं की पहल है बिल्कुल। जैसे अभी शहर में नया वर्ष का भी जश्न मनने जा रहा है, मनेगा, और एक नशे को लेकर युवा बहुत दलदल में फंस रहा है नशे को, तो इसके लिए भी आप कुछ अभियान चला रहे हैं क्या? जी, चला भी चुके हैं और अब भी चलाएंगे हम। तो नशे के विरुद्ध सर हम युवाओं को यही कहते हैं कि नशा से दूर रहें, जितना चाहे इतना दूर रहे। हम तो नशे का क्या, मोबाइल का भी विरोध करते हैं। अच्छा। मोबाइल फ़ोन का। अच्छा। जैसे आप मतलब आज ऐसा युवाओं की ऐसी स्थिति बन गई है कि कम से कम मोबाइल छोड़ते ही नहीं, परिवार वाले सामने बैठे हैं और मोबाइल को देखा ही जाएगा, व्हाट्सअप हुआ कुछ भी हो। जी जी जी। और हमने एक पहल और चालू करी संस्था द्वारा कि जब भी मंडल में किसी पदाधिकारी या सदस्य का जन्मदिन होता है तो हम उस दिन केक नहीं कटवाते और आम जो सेवा का कार्य था जैसे कि फल वितरण, ये कुछ भी, मिठाई बांटना, ये भी हम ये बीच में करते हैं, कपड़े वस्त्र बांटना, ये हम सेवा का मौका देते हैं उसको, जन्मदिन के उपलक्ष्य लेते हैं, हम सेवा का दिन देते थे उसको। पिछले बार से मास्क बांटे थे। आगे आप और किस तरह से युवाओं में, बुजुर्गों में और सेवा कार्य करना चाहते हैं? हम आगे चलकर जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी जन जागरूकता के लिए जो भी कार्य हैं, हम आगे चल के वो करेंगे। और युवाओं से मेरी एक अपील है कि नशे से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, सुरक्षा रखें। और अभी तो कोरोना का समय चल रहा है। आपका नाम? जी, नरेंद्र शर्मा। कौन सी संस्था है? चेतना अटल युवा मंडल। नमस्कार। हाँ। मेरा नाम विजय बिरला है। जैसे कि अभी हमने चेतना अटल युवा मंडल के इसमें हमारे शंकर लालवानी सांसद जी ने, उन्होंने भी हमें सम्मानित किया था। और हमारा मतलब कि हैगा कि जैसे अभी कोरोना के इसमें हमने राशन भी वितरण किया, मास्क वगैरह बांटे, फिर बहुत सारी सेवाएं की, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी हम उन्होंने लोगों को बहुत बातें जागरूक की है, ये चीज़ें हमने सब अभी करी है। और हमारा यही है कि नशा मुक्ति के बारे में भी अभी हमारा चल रहा है और अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो इसमें भी किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्या कार्य करने हैंगे, इसके बारे में अभी और चीज़ें हम कर रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।